ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मुमरा में एक बार फिर यंग जनरेशन की भीड़ देखने को मिला। एक बार फिर हंगामा छोटे बच्चों का, यंग जनरेशन का दिखाई दिया। हम आपको बता दें, दो दिन पहले मुमरा में एजाज खान आए थे, जिसको लेकर घंटों भीड़ देखने को मिला। और आज फिर बॉलीवुड के जाने माने हस्ती व बॉडी बिल्डर साहिल खान मुमरा में आए थे, जिसको देखने के लिए बच्चों का हुजूम लगा रहा। कौसा के इंटेंसिटी जिम, जो कि मुन्ना साहिल का है, जिसकी ओपनिंग करने आज शाम 4 बजे आए थे। लेकिन साहिल खान के आने से पहले हजारों की तादाद में लोग
साहिल खान को देखने के लिए डटे रहे, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने की वजह से उन्हें मुमरा से आधे घंटे में रवाना करना पड़ा। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखें किस तरह से लोग साहिल खान को एक झलक देखने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और इस बीच एक दूसरे के ऊपर लोग गिर पड़ रहे हैं, वो भी तस्वीर आप देखें। लोगों के जाने आने के लिए रास्ते बंद कर दिए गए थे, और इस बीच साहिल खान ने क्या कहा है हमारे संवाददाता इस्लामुद्दीन खान से बातचीत में, सुनिए। आज इस जिम का उद्घाटन करने आए, तो इस मौके पर आप मुमरा वालों को क्या कहेंगे? मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा मुमरा वालों को, कितना अच्छा जिम खुला है, और मुन्ना भाई और उनकी टीम अच्छा मेहनत से काम कर रही है, और जिम खोलकर यंग लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है। हम सब यहाँ के वर्कआउट कर सकते हैं और खूबसूरत हेल्थ और बॉडी चेहरा सब बना सकते हैं। सर, जिस तरह से नशे को लेकर भी है मुमरा के नौजवान भटक चुके हैं, तो उनको लेकर आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल से जितने भी लोग नशे में हैं उनको होश में आ जाना चाहिए कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत कीमती है। नशे में रहेंगे तो चेहरा बॉडी हेल्थ सब खराब हो जाएगा और लड़कियाँ नहीं पटेंगी। सर, आप मुमरा आए हैं तो आप कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। आपने सुना साहिल खान ने क्या कहा। फिलहाल साहिल खान को देखने के बाद ही लोग घर लौटे। लोग जिस तरह से क्राउड देखा गया लोगों का, अगर यहाँ पर पुलिस की कड़ी बंदोबस्त नहीं होती तो यहाँ कुछ अनहोनी हो सकती थी, क्योंकि बेकाबू भीड़ पूरी कोशिश कर रहे थे साहिल खान को देखने के लिए। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।